more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news. सलमान खान के सितारे इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। एक के बाद एक मुसीबतें भाईजान को घेरे हुए हैं। कभी कोर्ट के चक्कर तो कभी फिल्म को लेकर लोगों के रिएक्शन दबंग के स्टारडम के लिए घातक साबित हो रहे हैं। अब ऐसी ही एक बुरी खबर आ रही है। अभी कुछ ही दिन पहले गूगल ने सलमान खान को बॉलीवुड का सबसे खराब एक्टर बताया था। उसके बाद उनकी फिल्म रेस 3 को भी बॉलीवुड की घटिया फिल्मों में शामिल किया गया है। खबरों की माने तो बॉलीवुड से जुड़े रिकॉर्ड को तैयार करने वाली वेबसाइट घटिया फिल्मों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में रेस 3 का भी नाम जुड़ गया है। वेबसाइट ने रेस 3 को केवल 1.5 स्टार रेटिंग दी है। वेबसाइट ने यह लिस्ट फिल्म को मिले रिव्यू सोशल मीडिया पर फैंस के कमेंट्स को देखते हुए तैयार की है। इस फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 270 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। बता दें कि रेस 3 का क्रिटिक्स की आलोचना का शिकार होना पड़ा था। फिल्मी क्रिटिक्स ने इस फिल्म को सलमान खान की सबसे वाहियात फिल्म बताया था और इसे ना देखने की सलाह दी थी। इसके बावजूद भाई के स्टारडम के कारण फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ही 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया था। बाद में इसकी रफ्तार थम गई। टॉप न्यूज से रहमान की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from top news.